भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरा देश इस मिशन को लेकर उत्साहित है। यह मिशन भारत को चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बना देगा और चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग के लिए देश की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। बहुत खुशी भी लग रहा है, टेंशन भी है। कल तक हम लोग वेट करें तो भगवान का प्रार्थना है। हमारा जो टीम है पूरा एफर्ट्स लगा है, इसरो का टीम भी बहुत एफर्ट्स लगा है, तो 2-3 साल से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो भगवान का कृपा से ये प्रोजेक्ट सक्सेस होना चाहिए। यह ओडिशा के लोगों के लिए भी खुशी और बड़े ही गर्व की बात होगी क्योंकि ओडिशा ने भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन में प्रमुख भूमिका निभाई है। चंद्रयान 3 के अधिकांश प्रमुख घटकों का निर्माण भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर CTTC में किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट जब सक्सेस हो जाता है तो विश्व में इंडिया के लिए तो नंबर 1 पोजीशन में आ जाएगा। तो इसके लिए अभी तक कोई भी कंट्री भी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं हो पाया। हमारा जो साइंटिस्ट लोग जो डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम किया, बहुत एफर्ट्स भी लगाया, बहुत सारे बेंच टेस्टिंग भी किया है, टोटल ऑन टेस्टिंग करके फाइनली ये पर्टिकुलर चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट भी फिक्स किया है। वाल्व, आंतरिक नेविगेशन सिस्टम, तापमान सेंसर, एयरोस्पेस, जाइरोस्कोप, RGTP घटक और कई अन्य घटकों का निर्माण भुवनेश्वर के CTTC में किया गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र के 150 से अधिक तकनीशियनों ने चंद्रयान 3 के लिए महत्वपूर्ण घटकों के निर्माण के लिए पिछले 2 वर्षों से कड़ी मेहनत की है। हमारा जो CTTC भुवनेश्वर का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत है। 70,000 प्रेसिजन कंपोनेंट हमें यहाँ पर बनाया है। मेरा जो टीम है 150 लोग है, पूरा दिन रात भर काम किया है, 7/24 इंक्लूडिंग संडे भी हम लोग काम किया है। ये जो प्रोजेक्ट को कैसे भी सक्सेस करना है, जो चीज़ हम लोग सीखा है चंद्रयान 2 से, हम लोग 100% जीरो डिफेक्ट में कंपोनेंट इसरो को सप्लाई किया है।